ब्लॉग है किसके बारे में? फिलहाल हम लोग पहुंच गए। बाकी का स्टोरी कुछ के साथ है। हाँ जी, तो आप लोग प्रीवियस ब्लॉग देख चुके हैं और इस ब्लॉग पे थोड़ा सा गड़बड़ में। लेकिन क्या, लेकिन ब्लॉग है किसके बारे में पता है कि नहीं पता है? तो मैं बताता हूँ, चलो। सो हे एवरीबॉडी, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बेसिकली होने वाला है कि हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का लास्ट डे हम लोग कैसे एंजॉय किए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो दिन था शुक्रवार, सुबह के बजे थे 10:30 और हम लोग निकले घूमने के लिए। सो हमारा पहला डेस्टिनेशन था पंचलिंगेश्वर, तो पहले हम लोग पहुंचे पंचलिंगेश्वर। क्या जगह थी गाइस, सो मच ब्यूटीफुल। उसके अंदर ही बहुत सारी शॉप थी लेकिन मैंने सारा कुछ कवर नहीं किया, मैंने थोड़ा ही बस रिकॉर्ड किया है जो कि ये है। और ये कुछ ऐसा कुछ नजारा था, देखो। हम लोग सीढ़ी पे चलते 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 जा रहे थे और नजारा को फुल एंजॉय कर रहे थे। और चलते 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 हम लोग पहुंचे यहाँ पर। और गाइस, वहां पे जो पानी का झरना था वहां पे भी थोड़ा गर फरमा है। और मंदिर का पास का व्यू कुछ इस तरह से था। और वहां पर मंदिर के पास ही बहुत सारी डोरी लटक रही थी। आई थिंक कि लोग जहाँ जो यहाँ पर आते हैं वो भगवान से मन्नत मांगकर यहाँ पर डोरी लटका कर जाते हैं, तो ये भी कुछ इसका नजारा था ऐसे। तो बेसिकली ये जो मंदिर है ये पहाड़ का टॉप फ्लोर पर था, तो टॉप फ्लोर से नीचे का व्यू कुछ इस तरह से था, ये देखो। फिलहाल आप वो एंजॉय कर रहे थे। और मंदिर से आने के रास्ते में और एक जगह था जो कि कुछ ऐसा था। और गाइस, जगह इतना सुंदर था कि वहां पर हम लोग घूमते 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 बहुत ही टाइम हो गया, करीब करीब हमको 12:45 हो गया और हम लोग पहुंचे थे 11 बजे। और फिर हम लोग निकले वहां से हमारा दूसरी लोकेशन पर जो कि हमारा लिस्ट में था। उसका लोकेशन कुछ ऐसा था, देखो। गेस कर ली क्या? फिर वेट किस बात की? कमेंट डाउन बिलो व्हाट इज द प्लेस नेम। तो हम लोग पहुंचे थे चांदीपुर भी, तो इसका कुछ नजारा इस तरह से था। और फिर हम लोग एंट्री किए चांदीपुर का सी बीच का ट्रांस देकर, और नजारा तो कुछ ऐसा था। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony.
तो इस तरह से हमारा लास्ट डे का दिन कुछ एंड हो गया और फिर शुरुआत हुई अगले दिन। अगले दिन का शुरुआत हो रहा है सुबह का 4:30 से और उठकर हम लोग पहले हमारा जो नित्य कर्म है उसे खत्म करके पहले हम लोग भगवान को पूजा कर लिए और फिर क्या रूम को बाय बाय बोल दिए क्योंकि एग्जाम खत्म हुए तो कुछ दिन के लिए रूम को बाय बाय फिलहाल घर के लिए वहां से निकल पड़े और एक सफर। इस तरह से हम लोग ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गए और फिर सोकर उठने के बाद कहां इतना एनर्जी रहते है बॉडी में और इतना बड़ा सफर तय करना है तो चल हम लोग चले गए थोड़ा सा चाय पीने के लिए और हमारे दोस्त के लिए थोड़ा सा बिस्कुट लाने के लिए। और फिर जब अनाउंसमेंट हुआ निकल पड़े हमारे प्लेटफॉर्म पर फाइनली ऐसा हुआ कि कोइंसिडेंस तरफ हमारे दोस्तों लोग बैठे और उनका ट्रेन गया और अनदर और दूसरी तरफ हमारे ट्रेन आए। फिलहाल हम लोग पहुंच गए और इस ट्रक पर आने वाले हमारे दोस्तों का और उस ट्रक पर आने वाले हमारे रेलवे करते हुए अभी हमारा दोस्तों का ट्रेन आ चुका है और ये हमारे दोस्तों का ट्रेन छूटा और हमारा आ चुका है हमारा ट्रेन। और इस तरह से होकर हम लोग पहुंच गए भुवनेश्वर स्टेशन और वहां पर तो क्या ही बोलो देखो आप बहुत ही ज्यादा रश और गाइस वहां पर इतना सारा रश था कि क्या ही बोलो आप क्योंकि रश क्योंकि अभी फिलहाल ही विंटर सीजन चल रहा है तो लोग सारे बाहर से आ रहे हैं भुवनेश्वर पर घूमने के लिए तो क्राउड तो कुछ ही नेक्स्ट लेवल और अगर कोई बंदा वहां पर फंस जाता है तो उसको ढूंढने के लिए बहुत ही मुश्किल होगा ये मैं गारंटी देता हूँ इतने सारे लोग थे वहां पर। लोग ही लोग सब लोग आ रहे घूमने के लिए और फिर रेलवे स्टेशन से होकर फिर मैंने बस पकड़कर आ गया डायरेक्ट ही होटल पर। कहाँ पर फिर चलते 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 हम लोग हमारी सफर का 75% कवर कर चुके और बाकी का स्टोरी कुछ ऐसा था। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर खाने के लिए चलते खाने के लिए हमारा खाना आ चुका है डाउट मिल जाए मैंने ये तो खाना पीना कंप्लीट हो गया और कहानी कुछ इस तरह से मैं इंसर्ट बताना चाहूंगा। हम लोग का 5:30 से लेकिन हमारा उठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो हमारा उठने का प्लानिंग था कि 3:30-4 बजे तक हम लोग उठ जाएंगे लेकिन हम लोग उठे 4:30 बजे तो वही एक दिक्कत हो गई हमारे साथ। और फिलहाल जब हम लोग ट्रेन स्टेशन में पहुंचे ट्रेन भी दिखा रहा था डिले 30 मिनट का ट्रेन डिले दिखा रहा था तो उस हिसाब से तो पकड़ के गए ट्रेन पहुंचने में करीब करीब हो गया टाइम 10:30 और 11 हो गया। तो जब मैं भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड पर आया तुरंत ही हमारा एक बस था तो मैंने खाना पाना कुछ भी नहीं हुआ और ट्रेन में तो मैं वैसे भी नहीं खाता हूँ क्योंकि हाइजेनिक नहीं लगता है खुद को खाने में तो इसलिए मैं नहीं खाता हूँ। पहुँचने तो लेट हो गया तो फिलहाल कोई खाना पीना कुछ भी नहीं होता। फिलहाल अभी जाकर टाइम हुआ है कितना 2:30 तो अभी जाकर मैं खाया और थोड़ा सा एनर्जी आया तो फोन उठाकर ब्लॉगिंग करने का ट्राई किया तब तक मैंने कुछ नहीं किया बस थोड़ा थोड़ा क्लिप बचा कर रखा है वो डालूंगा आप लोग देखेंगे बस यही अब तक की कहानी कुछ इस तरह की। अभी फिलहाल आधा घंटा लगेगा घर को पहुंचने के लिए और अभी
लोग हम लोग इस बस में आए थे और फिलहाल अभी जो जो लोग आए थे बहुत दूर से, वो लोग अभी इस होटल पर खाना खा रहे हैं। मैं दिन तो कंप्लीट करके आ चुका हूँ, क्योंकि अब एक लंबी गैप के बाद जब आप खाना खाते हो तो बहुत ही सुकून मिलता है और खाना बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम में खत्म हो जाएगा। तो खाना खाना खत्म हो गया, फिलहाल वेट करते जो लोग खाना खा रहे हैं उनका, और करीब 5 मिनट निकलते हैं। हमारा इस बस छोड़ने वाला है तो फिलहाल चलते हैं। कुछ जगह हम लोग पहुँचने वाले हैं।